हैशटैग ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे H5P में लूमी एडिटर के अंतर्गत हम किस प्रकार इंटरैक्टिव वीडियो बना सकते हैं और ये इंटरैक्टिव वीडियो ई कंटेंट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो आज हम H5P में एक और नया ई कंटेंट बनाने का तरीका आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे, जिसका नाम है इंटरैक्टिव वीडियोस का निर्माण करना। तो इसके लिए हम सबसे पहले H5P जो ऑनलाइन होता है उसको ओपन कर लेंगे, H5P को। और आप देख रहे हैं ये गूगल ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसको क्रिएट करने से पहले हम एक इसका उदाहरण देख लेंगे। जैसे इसको हम क्रिएट कहाँ पे कर सकते हैं, दो जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, या तुम डायरेक्ट H5P के अंदर ऑनलाइन इसे क्रिएट कर सकते हैं, या हम H5P एडिटर जो आपका लूमी है इसके अंदर ऑफलाइन में आराम से इसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे एडिट मोड पे यहाँ पे सबसे पहले इंटरैक्टिव वीडियो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको आज हम बनाना सीखेंगे कि इसमें हम ई कंटेंट कैसे बना सकते हैं और इंटरैक्टिव वीडियो आखिर होता क्या है। तो इंटरैक्टिव वीडियो वो होता है कि जिस वीडियो में आपसे कोई एक्टिविटी कराया जाए, वीडियो देखने के साथ साथ आप बीच में उसके पर्सन भी पूछ सकते हैं बच्चों से, या उससे संबंधित कोई एक्टिविटी भी करा सकते हैं। तो अधिकतर वीडियो क्या होता है, वन वे होता है, लेकिन इंटरैक्टिव वीडियो टू वे लर्निंग होता है। इसमें वीडियो के माध्यम से आप सीख भी सकते हैं और साथ में वीडियो के अंदर जो पर्सन उत्तर होंगे उनके माध्यम से भी आपको नॉलेज गेन होती है। तो इसका निर्माण कैसे होगा, तो इसका एक उदाहरण मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो जैसे H5P को मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, मैं लॉग इन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही कई सारे ई कॉन्टेंट बना रखे हैं। तो व्यू ऑल में जाएंगे हम, यहाँ पे आप देखते हैं कि कहाँ पे वो एक्टिविटी है, यहाँ पे है इंटरैक्टिव वीडियो और व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये एक इंटरैक्टिव वीडियो बनाया गया था मेरे द्वारा। तो ये किस प्रकार बनेगा, इसमें एक हमने वीडियो डाला हुआ है और यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा जब वीडियो को हम प्ले करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वीडियो चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे लेट अस अंडरस्टैंड what economics is all about. When students first time heard words related to economics, they have a very little idea of what economics is all about. They might have heard something like economics is the study of money, savings, or production of goods, etc. But none of those are complete. Economics is the study of the use of scarce resources that have alternative uses. अब आपने देखा कि आपने ये वीडियो पूरा देखा, अब ये वीडियो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर आ गया है वीडियो के साथ साथ। ये वीडियो आगे तब प्ले होगा जब हम इसका पर्सन का उत्तर देंगे। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, स्केयर रिसोर्सेज है या अनलिमिटेड है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा स्केयर रिसोर्सेज, तो ये आएगा चेक, आपका उत्तर सही। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो आगे फिर चलने लग जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसमें बहुत सारे वो लगा सकते हो, इसमें एड ऑन करके आप इसमें क्वेश्चन, कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें लगा सकते हो। तो है ना ये बहुत ही इंटरैक्टिव एक्टिविटी। तो आज हम इसी को ध्यान में रख के एक एक्टिविटी बनाते हैं और एक कंटेंट डेवलप करते हैं, इंटरैक्टिव वीडियोस। तो अब हम सीधा लूमी में जाते हैं और लूमी जो H5P का एडिटर है यहाँ पर इंटरैक्टिव वीडियोस आया हुआ है। तो इंटरैक्टिव वीडियोस को हम ओपन कर लेंगे तो ये टूल यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पर आप टाइटल लेंगे। तो
टाइटल लिख सकते हैं कि आज हम उससे पहले एक वीडियो अपलोड कर लेंगे पहले, फिर हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। तो वीडियो कौन सा होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वीडियो को। तो ये वीडियो की फाइल है, आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं फाइल और यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब से भी कोई वीडियो डाउनलोड सकते हैं। तो मैं एक फाइल अपलोड करूँगा जो मैंने पहले से सेव कर रखी है अपने सिस्टम में। तो ये कई सारी फाइलें हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 15 या 16 MB की फाइल ही ये सेव होती है, और यूट्यूब से आप जितनी मर्जी बड़ी फाइल को अपलोड मतलब डायरेक्ट लिंक से शेयर कर सकते हो। तो जैसे एक फाइल है मेरे पास, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो आपने देखा कि बहुत जल्दी ये अपलोड हो गई है। इसके बारे में अगर कुछ लिखना हो, टाइटल इंटरेक्टिव वीडियो ही रखा है हमने, आपको पोस्टर लगाना हो पोस्टर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं हम इंटरेक्टिव वीडियो। What is economic problem? आर्थिक समस्या क्या है, ये वीडियो उसी पे है, आर्थिक समस्या क्या है। अब ये वीडियो यहाँ पर बन गया है, और इसमें बिहेवियर सेटिंग में भी जाके हम देख सकते हैं वीडियो के बारे में। ऑटो प्ले अगर आप चाहते हो करना, ऑटो प्ले भी हम कर सकते हैं, इसको मैंने ऑटो प्ले कर दिया है। बाकी और इसमें जो दे रखा बिहेवियर सेटिंग, उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार प्ले करके इसको या व्यू करके देख लेते हैं कि वीडियो आया है कि नहीं। तो ये देखिए, आप वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आपने देखा कि वीडियो आ गया है, और अब हम इस पे वो लगाएंगे, चेक पॉइंट्स लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछने। जैसे इसमें दो दे रखे हैं, एक है ऐड इंट्रैक्शन, तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो के अंदर आप इतनी सारी चीज़ें लगा सकते हो, इसमें लेबल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, टेबल भी डाल सकते हो, एक वीडियो के अंदर लिंक्स भी डाल सकते हैं, वीडियो के अंदर अलग से फ़ोटो भी डाल सकते हैं, इसके बाद स्टेटमेंट, इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, मार्क द वर्ड, ड्रैग द वर्ड, क्रॉस वर्ड, क्रॉस रोड, ठीक है, नेगेवेशन, हॉट स्पॉट। तो बहुत सारी एक्टिविटी आप एक ही वीडियो में कर सकते हैं। अब आपको कितनी देर के बाद वो लगाना है चीज, तो जैसे मैं यहाँ से चला रहा हूँ, तुमने इसकी साउंड थोड़ा ज़्यादा है, मैं साउंड पहले इसकी कम कर देता हूं थोड़ा। इकोनॉमिक शब्द को पहली बार सुना होगा तो आपके मन में यह विचार, तो इसको हम कहां पे आप इसमें पॉइंट लगाना तो चाहते हैं, जैसे मैंने यहां पे खत्म हुआ, यहां पे अर्थशास्त्र को सरल शब्द, यहां पे क्वेश्चन ये क्या लगाना चाहते हैं, तो हम यहां पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे क्लिक करूंगा मैं तो यहां पे ये इसका इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या लिखना चाहते हो आप। तो मैंने पहले से क्वेश्चन को सेव कर रखे हैं यहाँ पे, तो मैं पहला क्वेश्चन ये लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदी में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, फिर इसके अल्टरनेटिव उत्तर लिखूंगा। तो पहला करेक्ट हो सकता है या दूसरा करेक्ट हो सकता है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, मेरे पास 3 ऑप्शन है। तो सीमित संसाधनों का यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये करेक्ट नहीं है। फिर दूसरा मैंने डाला असीमित संसाधनों का, ये भी करेक्ट नहीं है। एक में ऑप्शन अपनी तरफ से और ले लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ दोनों का, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ दोनों का और इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार मैंने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया, और इसके बाद आप इसको डन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो सपोज मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया बीच में, तो इतने वीडियो चलने के बाद अर्थशास्त्र को सरल शब्दों में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले एक शब्द आता है स्केलेरिटी। ऐसे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पर्सन आएगा, तो वो कब दिखाई देगा, जब हम इसको यहाँ पे व्यू में जाएंगे। अब व्यू में जाते हैं तो आप ये देख रहे हैं डॉट सा दिख रहा है, तो इसको हम पास ले आते हैं इसके। जैसे आगे बढ़ेगा ये अर्थशास्त्र को सरल शब्दों में अगर हमें समझना है तो जैसे क्लिक करोगे ये आ गया। तो देखा आपने कि कितना आसान तरीका है इंटरएक्टिव वीडियो बनाने का, और शानदार और अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले एक शब्द आता है स्केलेरिटी करेंगे इसको, हमने यहाँ पे लगाया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इसमें। क्वेश्चन हमारा था, हाँ इससे पहले लगा देते हैं कि आवश्यकता है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, इसमें है हमने रखा हुआ है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेंगे हम ट्रू का, क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा, आवश्यकताएं असीमित होती, क्या यह कथन सही है या गलत। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये सही है या गलत, आवश्यकताएं असीमित होती हैं, क्या कथन सही है, ये ट्रू है। तो हमने इसे ट्रू ही रखा है और इसको डन कर दिया। अभी कहाँ पे पूछेंगे, हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं बीच यहाँ पे, तो दो हमारे हो गए। इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या का जन्म कैसे होता है, तो इस पर्सन को हम बाद में पूछेंगे, लास्ट में भी पूछ सकते हैं वीडियो के यहाँ पे ख़त्म होने से पहले यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं, यही मल्टीपल चॉइस, और यहाँ से हम उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तीसरा, आर्थिक समस्याओं का जन्म कैसे होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका क्वेश्चन ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके हमें आंसर दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन आंसर ये हो गया हमारा इसका, ये हमारा आंसर सही नहीं है। दूसरा, ये आंसर भी हमारा सही नहीं है। इसके बाद हम तीसरा ले लेते हैं, यह आंसर हमारा सही है, तो ऐड ऑप्शन करके हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ क्या डन कर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने तीन इसमें हॉटस्पॉट लगा दिए, तीन लगा दिए, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ से व्यू में जाके, तो आप देखेंगे कि ये वर्चुअल चल रहा है, मैंने इसकी साउंड कम की हुई है। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आज देख रहे चल रहा है समस्या क्या। तो यहाँ पर आने के बाद ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, अर्थशास्त्र को सरल शब्दों में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले एक शब्द आता है स्केलेरिटी, इसका उत्तर देंगे हम यहाँ पे। तो इसका उत्तर हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो किसका अध्ययन करता है, दोनों का, चेक किया हमारा सही हो गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे, बोलते हैं संसाधनों की कमी लगेगा यहाँ पे आने का, फिर यहाँ पे ये पूछेगा। एक और उदाहरण लेते हैं समय का, यह भी दुर्लभ संसाधन है। इसको जैसे क्लिक करोगे तो हमने ट्रू लिखा था, इसका आंसर चेक करेंगे ये हमारा सही है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस प्रकार हम इसमें चले जाते हैं लास्ट में, उत्पादन किसके लिए किया जाए, वस्तु तथा सेवाएं केवल उनके लिए पैदा की जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आर्थिक समस्याओं का जन्म कैसे होता है, तो तीसरा था चेक करा हमने, तो जाती है जिनके पास उन वस्तुओं। कितना आसान तरीका है इंटरएक्टिव वीडियो बनाने का, और इसके बाद आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं जब ये आपका पूरा तैयार हो जाए। तो एडिट में जाके आप देखेंगे कि इसमें और हमें कुछ करना नहीं है, सब कुछ इसमें फिट है। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ और सेटिंग दी हुई है
स्किप करना है वीडियो या शो बटन फॉर रिवाइंडिंग 10 सेकेंड, स्टार्ट विद बुकमार्क मेन्यू ओपन, बहुत सारे हैं। ऑटो प्ले वीडियो, अगर ऑटो हो रहा है इसको ऑटो अगर हम हटा दें तो ये ऑटो नहीं चलेगा जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की वेवियर सेटिंग हम इसमें कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितनी शानदार ई कंटेंट बनाया है इंटरैक्टिव वीडियो हमने H5P में। तो इसी प्रकार आप कई सारे कई सारे कंटेंट बना सकते हैं H5P का इस्तेमाल करके। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, तो फाइल सेव में करेंगे और इसको हम कहाँ पे सेव करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने न्यू H5P, तो यहाँ पे जाकर हम इसको सेव कर लेंगे, तो ये फाइल यहाँ पर जाकर सेव हो जाएगी। तो इसी तरह आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और जो डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया हुआ है नीचे, उसमें आप देखेंगे कि H5P से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमने इसमें लिंक शेयर किए हैं, आप उसमें जाकर सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइल सेव हो गई है और अब आप इसको बनाना सीखिए और इसके बाद हम और नई नई वीडियोस लेकर आपके पास आएंगे जिसमें आप बहुत सारे ई कंटेंट बना सकते हैं और बहुत सारे नए ऐप्स या एप्लीकेशन को सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।